सबा, मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई जो एक ही रात में मैं अपने मकाम से गिर गई हूँ अली और सारा के हाथों। ताती जान, आप क्यों अफसोस कर रही हैं? आप तो जानते हैं आप ही की नेचर को, वो ऐसे ही है, मतलब ये खुद खर्च। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी पोती ने, अपनी पोती ने मुझे इतना जलील कर दिया। मैं हूं ना आपकी इज्जत करने के लिए, और आप ही की परवाह करना छोड़ दें। तुम कितनी अच्छी हो, काश काश मैं अली की बातों में ना आती और सारा की शादी में रुकावट ना डालती, तो आज ये बला मेरे गले ना पड़ती। अब मैं समीना और जुबैर को क्या जवाब दूंगी? समीना तो ताने दे दे के मुझे मार डालेगी। अम्मी जान, सारा ने जो गुस्ताखी की आपके साथ, मैं हाथ जोड़कर आपके पांव पकड़कर माफी मांगती हूँ। अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हारी गुस्ताखियों को माफ नहीं किया तो तुम्हारी बेटी को कैसे माफ कर सकती हूँ? अम्मी, क्या हो गया आपको? देखिए, आप मेरी माँ हैं और मैं आपको कभी नाराज नहीं कर सकती, मगर मैं सारा की भी माँ हूँ। हमें अगर आप उसे माफ नहीं करेंगी तो मेरी बच्ची कभी खुश नहीं रह पाएगी। अम्मी, मैं भी दादी जान से यही कह रही हूँ कि आप ही को माफ करते हैं, भूल हो गई उससे। सलमा, एक बात अपनी बेटी को समझाती जाना कि ये दौलत, ये पैसा, ये घर, ये सब मेरा है, अली का इसमें कुछ नहीं है। अली तो अपने माँ बाप से बगावत करके आया था और वो भी खाली हाथ। अम्मी, अम्मी आपको जहीर की कसम, अल्लाह के वास्ते सारा को माफ कर दीजिए, और मेरे से भी जो गलती हुई है ना, मुझे भी माफ कर दें आप। सलमा, औलाद इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं होती है, और मुझे भी अपना मुकाम और अपनी इज्जत औलाद से ज्यादा अजीज है। मैं तुम्हारी बेटी को माफ नहीं करूंगी, वो मक्कार है, झूठी है, तुमने उसकी तरबियत सही नहीं की है। अम्मी प्लीज, तुम जाओ। अम्मी, आप जो कुछ भी कहेंगी उसे माफ नहीं करेंगी तो ये तो सारा की बदनसीबी है, लेकिन अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप नाराज रहे मुझसे। मैं जानती हूँ तुम मेरी जान नहीं छोड़ोगी, जाओ तुम जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ मेरी जान छोड़ो, चलो। अम्मी, आपका एहसान है जो आपने मुझे माफ कर दिया, बस एक एहसान और कर दीजिए, अब जहीर को कुछ मत बताइएगा वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। उफ, नहीं बताऊंगी, अब जाओ जाओ तुम जाओ। दादी जान, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे आपकी बहुत फिक्र है, और आप भी और अली ने गुस्ताखी की है, उनको माफ मत कीजिएगा जब तक वो आपके पाँव ना पकड़ लें। सनी, I'm sorry सारा, मैं आपको और सनी को एक दिन भी सुकून का नहीं ले सका। ये कहकर मुझे गुनाहगार मत करो, तुम्ही ने तो मेरा साथ दिया, बदनसीब तो मैं और सनी है, हमारी किस्मत में दर दर की ठोकरें ही लिखी है। अब देखो ना, एक बाप के होने के बावजूद मेरा बच्चा तो यतीम ही कैसे? Stop saying him यतीम again and again। सनी मेरा बेटा है, मेरी औलाद है। Please। हाँ अली, जान तो अम्मी अब्बू मेरी शादी करना चाहते थे, मैं तो दूसरी शादी करने का सोच भी नहीं रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि सनी। आप सनी को बीच में क्यों ला रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना सब ठीक हो जाएगा। मगर अली, सनी की हालत देखिए, तुमने क्या हो गया? इससे तो अच्छा है कि मैं इसको अम्मी के घर छोड़ दूं या बोर्डिंग हाउस भिजवा दूं, खुद ही धक्के खाते पल जाएगा, इसकी वजह से तुम भी डिस्टर्ब होते हो, मुझे अच्छा। मेरे होते उससे नहीं कहीं जाएगा, यही रहेगा मेरे पास, मेरे साथ। मगर अली, इसका फ्यूचर मैं बनाऊंगा, इसका फ्यूचर, और अगर आपको इस बात की सिक्योरिटी चाहिए तो वो सब कुछ जो मेरे पास है, मैं सनी के नाम करने को तैयार।
अली सर प्लीज, आप रो क्यों रही हैं? Just keep smiling. मैं आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, मेरे लिए प्लीज. That's like my beautiful wife. अच्छा सारा सुनो, जो हो गया सो हो गया, अब आप प्लीज दादू से झगड़ा मत कीजिएगा. मैं जानती हूँ मुझसे बड़ी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. अब मैं उनके सामने कभी अपनी जुबान नहीं खोलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए. I'll try my best. Thank you so much. इतनी जिंदगी गुजर गई, आज तक कभी मैंने अम्मी के सामने जबान नहीं खोली, और ये मेरी बेटी ने क्या किया? इतनी बदतमीजी की उसने अपने दादी के साथ. अम्मी कसूर दादी जान का भी है. हम सब जानते हैं कि आपकी सनी को लेके बहुत टची है, और अगर उसे कुछ कह दो तो वो लड़ने के लिए आ जाती है, और दादी जान सारी रात उसे मारती रही. मैं मान ही नहीं सकती कि अम्मी ऐसा कर सकती है. अगर ऐसा किया भी है फर्ज कर लो तो क्या हो गया? पर दादी है वो उसकी. अम्मी दादी जान ने भी हद कर दी, न जाने क्या कुछ कह दिया आप ही के सामने कि हमने तुम पे तरस खाया, हमारी पसंद तो सबा थी. अब आप खुद सोचो आप ही क्या सोचती होंगी मेरे बारे में. हाँ ये तो है, अम्मा को सबा का नाम नहीं लेना चाहिए था. सारा ने बदतमीजी की थी ना, हद कर दी अम्मा ने. लेकिन आप ही अब क्या होगा, एक अम्मी ही तो थी जो सारा के लिए सहारा थी, अब वो भी उसके खिलाफ हो गई. अम्मी आप परेशान नहीं हो, हम सब जानते हैं कि अली सारा के ही साथ देगा. अली उससे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी. अरे अम्मी ने कितना साथ दिया उसका, और ये क्या किया उसने? अरे सलमा तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अली की बीवी तुम्हारी बेटी है, और अली उसका इतना ख्याल रख रहा है, दोनों में इतनी मोहब्बत है. पापी चाहे वो मेरी बेटी क्यों ना हो, लेकिन जो औरत अपने ससुराल और शौहर की इज्जत नहीं करती ना, फिर उसकी भी अपनी कोई इज्जत नहीं होती. अब क्या होगा? बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. समीना तक बात पहुंचेगी, और समीना तो इससे नफरत करती है, अपने से कमतर समझती है. तो मैं आती हूं. बेगम साहिबा आप कुछ खा लें, झगड़े की वजह से आपको भूख लगी होगी. हाँ वैसे भूख तो मुझे बहुत लग रही है. वो कहाँ है, क्या कर रही है? वो ना अपना कमरा क्लियर करवा रही है मुलाजिम के साथ. अच्छा तो गोया घर की सारी चीजों पर कब्जा करना चाह रही है. तौबा तौबा बेगम साहिबा, मैं खाना बना रही थी तो मुझे कह रही मिर्चे तेज डालो, तो मैंने कहा बेगम साहिबा तो मिर्चे कम खाती है, तो कह रही है मैं तो ज्यादा खाती हूँ तुम तेज डालो. मुझे मिर्चे लगा रही हैं सलमा. एक काम करो, जो स्टोर है ना उसको ताला लगा दो, जितना राशन मैं कहूँ उतना निकाल के देना, समझ गई ना? नहीं ये तो बुरी बात होगी. अरे अरे ये कबाब कहाँ से आए? उनकी वालदा लेकर आई थी, जाते जाते नाश्ता यहीं पर छोड़ गई. हाँ एक बात है, उनकी अम्मी कबाब बहुत अच्छे बनाती है, बड़े लजीज होते हैं. छोड़े बेगम साहिबा, जैसी माँ वैसी बेटी, मुझे तो लगता है वो बिल्कुल ना अपनी अम्मी के ऊपर गई है. नहीं मुझ पर गई है. जी हाँ सच कह रही हूँ, असल में मैं अपनी झेप मिटाने के लिए ना सारा इल्जाम सलमा की तबीयत को दे देती थी. अच्छा तो आप भी बहुत वो हैं. अच्छा एक बात सुनो, अब मेरी और सारा की जंग शुरू हो गई है, तुम्हें पूरी तरह जासूसी करनी है, समझ गए ना? मैं इस लड़की को ठीक करके छोड़ूंगी. भाई तो क्या आप उनकी तलाक करवाएंगी? अरे नहीं तोबा करो, तलाक नहीं लेकिन इस लड़की को इंसान बनाकर छोड़ूंगी. जाओ क्या कर, देखो कर क्या रही है वो.
जी मैं देख कर आती हूँ। यार यू प्लेड रियली गुड। तुम्हें पता है बचपन में मैं भी ये गेम बहुत ज्यादा खेलता था, और तुम्हें पता है किसके साथ खेलता था? दादो के साथ। क्या वो आपको भी ऐसे ही मार दी थी? नहीं बेटा, मैं तो उनके काबू नहीं आता था, बड़ी कोशिश करती थी मुझे मारने की लेकिन मैं हाथ ही नहीं आता था। क्या हो रहा है यहाँ पे? इस कमरे में क्या? उठाओ सब ये चीजें, चलो अपने कमरे में जाओ। जाओ मामा, मामा। क्या हो गया दादो, क्या कह रही हैं आप? सुनो, ये मेरा घर है, यहाँ मैं किसी को डेरा जमाने की इजाजत नहीं दूंगी, समझ गए? आप जो कर रही हैं बिल्कुल गलत कर रही हैं। मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, मेरा घर है, जो दिल चाहेगा करूंगी, तुम कौन होते पूछने वाले? कि क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा बच्चा वैसे दादी जान से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन तुम फिर भी बहला को सुला के उसे बाहर ले आए। इसे कमरे में ही रहने देते ना तो बेहतर था। मैंने मना भी किया था ना, निकालो इसे कमरे से बाहर। हाँ, कमरे से बाहर ना निकालना, क्योंकि ये चुड़ैलों का राज है ना। नहीं दादी जान, आपको सनी की शक्ल ही बर्दाश्त नहीं है तो बेहतर है वो अपने कमरे में ही रहे। इसका कोई कमरा अलग नहीं है, समझी? जितने फालतू कमरे थे ना, मैंने नौकर से कह के लॉक करवा दिए। तो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा मेरे ही कमरे में मेरे साथ भी सो सकता है। चलो सनी बेटा। और हाँ सुनो, अब बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? क्या हो गया आपको सनी? आपका अपना खून है, क्यों कर रही है उसके साथ ये सब? जाओ 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 यहाँ से, जाओ अपनी बीवी के सर में तेल डालो, उसके पैर दबाओ, जाओ जोरू को बुलाओ, जाओ। टू मच, टू मच अंग्रेज का औलाद। सलमा बेगम, सलमा बेगम, आप कब आए? कहाँ खोई हुई हो भाई? नहीं कहीं पे भी नहीं, मैं तो बस। अच्छा ये बताएं कि आप अम्मी जान के यहाँ गई थी? हाँ अभी वहीं से आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, कैसा मौसम था वहाँ? मेरा मतलब है अम्मी का मूड कैसा था? हाँ बिल्कुल अच्छा था, बहुत अच्छा था, कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने, बड़ी खुश थी वो। ये तुम इतनी परेशान परेशान से क्यों हो? ये बताओ मेरी बेटी, मेरी लाडली बेटी, अपने अब्बू की जानी सारा कैसी थी? माशाल्लाह से बहुत खुश, अपने घर बहुत खुश है वो, राज कर रही है वो। और अली, अली तो उसका बस नहीं चल रहा कि आसमान से तारे तोड़ के ला दे, बहुत खुश है दोनों। मैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शौहर को बीवी के इशारों पर भी इतना नहीं नाचना चाहिए, वरना पता क्या होगा, बीवी आदी हो जाएगी इस बात की और शौहर बेचारा पूरी जिंदगी उसके इशारों पे नाचता रहेगा। शौहर को तो हाकिम होना चाहिए। हाँ जी जैसे यहाँ पे बिल्कुल। तुम उसको तो ले आती ना साथ सनी को? सनी हाँ वो स्कूल गया हुआ था। अच्छा जाकर चेंज कीजिए ना, जाइए, मैंने भी चेंज करना, मैं आ रही हूँ। अच्छी बात है, चाय सर जल्दी बना दीजिएगा। हाँ हाँ आप जाइए। अली खाना खा लो। किस तरह खाना लिख रहे हैं आप? अब अपने घर पे हैं, किसी होटल में तो नहीं? अभी खा लो ऐसे ही। मैंने इस तरह कभी खाना नहीं खाया सर। अली मजबूरी है ना? क्या मजबूरी है? वो एक ही प्लेट सालन दिया हमारे लिए। क्या मतलब है? दादू ने इस तरह खाना, दादू ऐसे कैसे कर सकती हैं यार? शायद मेरी वजह से। नहीं दादू मेरे साथ भी हमें दादू से बात करनी होगी। नहीं नहीं अली, अभी जाने का कोई फायदा नहीं है, वो बहुत गुस्से में। क्या मतलब ऐसे कब तक चलेगा? यानी वो हमारे खाने पीने पर पाबंदी लगा देंगे और हम चुप करके बैठे रहें? अली हम और कर भी कह सकते हैं, कुछ भी कहेंगे तो गलत ही कहलाएंगे, क्योंकि घर के छोटे हैं ना,
और अपने हक के लिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते, गुस्ताखी होगी। एक काम करते हैं ना, बाहर चल के खाना खा लेते हैं। ये क्या बात हुई अब? यानी कि अब हमें जब भी भूख लगेगी हमें बाहर जाकर खाना होगा? हम कहीं होटल में स्टे किया हुआ, हमने अब सुबह का नाश्ता भी कहीं बाहर। अली अभी चलते हैं, फिर वापस आके देखते हैं क्या करना है। और प्लीज दादो से लजना मत, वो बड़ी है हमारी, कुछ भी सलूक कर सकते हैं हमारे साथ। चलो उठो, मैं सनी को तैयार करके लेकर आती हूँ। उठो। अच्छा ठीक है, I'm waiting for you in the car. छोटी बेगम साहिबा, मैंने गरम रोटी बनाई है आपके लिए, ले आओ। अपनी रोटी ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ये ट्रे भी ले जाना, उठाओ ये ट्रे, जाओ। ये क्या, ये चौकीदार के लिए खाना लगाया? इतना सा सालन और सिर्फ दो रोटियां? क्या हो गया बेटा तुम्हें? तुम तो इस घर में काम कर रही हो, हमारे यहाँ इस तरह से नौकरों को भी खाना नहीं दिया जाता। बल्कि एक काम करो कि डिश लो छोटी, उसमें ये सालन डालो, थोड़ा सा सालन और डालो और एक दो रोटी और पकाओ, फिर चौकीदार को जाके देखा। अरे नहीं नहीं बेगम साहिबा, ये चौकीदार का खाना नहीं है, ये तो छोटी बेगम लेकर गई थी अली भाई के लिए। क्या, ये दो रोटियां और इतना सा सालन अली भाई के लिए? बेगम साहिबा, ये जो छोटी बेगम है ना, ये बहुत ही चालाक है, आपको जालिम दादी के रूप में अली भाई के सामने पेश करके खुद को मजलूम बनाकर अली भाई को अपनी मुट्ठी में ले रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि सारा अली को अपनी मुट्ठी में रखे और ये मुट्ठी कभी ना खुले। तो पता नहीं क्यों ये औरत मुझे बेइज्जत करने पे तुली हुई है। अब देखो खाना खाने बाहर चले गए। तो बेगम साहिबा, आप ना अपने बेटे से उनकी शिकायत करें, आखिर कोई तो हो जो उनका दिमाग दुरुस्त करे। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे से बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि इससे मेरे जहीर को तकलीफ पहुंचेगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद इन्हें ठीक करूंगी, समझे? अच्छा मैं जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद आऊंगी। ठीक है बेगम साहिबा। और जरा तरीके से देना, मैंने बता दिया खाना। जी जी। वो तो सब ठीक है सदमा, लेकिन तुम सारा को साथ ले आती ना? सारा को? हाँ, वो अपने घर की हो गई है, उसका जब दिल चाहेगा आ जाएगी, उसे किसने रोका। वैसे सदमा, बेटी को अपने घर में खुश देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे तुम्हारी सारी जिदें, सारी नाराजगियां अब खत्म हो गई। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, भला माँ से भी कोई नाराज हो सकता है? अम्मी जान ने जो भी सारा के लिए फैसला किया, उसकी भलाई के लिए किया। अच्छा वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, हुकुम कीजिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सनी को हम अपने पास ले आए? क्यों भाई? आप, मेरा मतलब है कि सारा की अभी नई नई शादी हुई है और अली को भी बच्चों की आदत नहीं है। तुम कुछ छुपा रही हो? उफो, एक तो आप ना शक करने लगते हैं हर बात पे। मतलब क्यों छुपाना है, मैंने क्या छुपाना है? मतलब है कि अली मसरूफ होगा ना, ऑफिस जाएगा तो कैसे छोड़ेगा वो सनी को स्कूल में? मुझे तो नहीं लगता कि सारा सनी को अपने आप से अलग भी कर पाएगी। तुम बात करके देख लो, अच्छा है हमारे घर की रौनक लौट आएगी। आप फिर उससे बात कर लीजिएगा। ठीक है, जब मुलाकात होगी तो कर लूंगा। आपने सारा को इस बात के लिए बहुत जोर देना। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आप भी यूं ही शक करने लगते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा ठीक है, मैं जरा थोड़ा आराम कर लूं, उसके बाद चलते हैं अम्मी की तरफ। अम्मी
देख रहे हो तुम सनी कितना डर गया, सहम गया दादी की वजह से, कमरे से बाहर नहीं आ रहा मेरा बच्चा। आप परेशान ना हो ना, मैं उसे आउटिंग के लिए लेके जाऊंगा, ठीक हो जाएगा। क्या करेगा बाहर जाके, वो घूमेगा फिरेगा। सारा इधर आओ। जी बोलिए दादी जान। दादो सारा और सनी ऑलरेडी आपके रवैये की वजह से बहुत परेशान है। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, सारा से बात कर रही। सारा मेरी ज्वेलरी मुझे चाहिए। ज्वेलरी? कौन सी ज्वेलरी दादी जान? मत कहो मुझे दादी जान। कौन सी ज्वेलरी? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस ज्वेलरी की बात कर रही हूँ। दादी जान मेरे पास आपकी कोई ज्वेलरी नहीं है। अली देखो ना क्या कह रही है। दादो आप कैसी बात कर रही हैं? अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है तो आपकी ज्वेलरी का सारा से क्या लेना देना? जब अमेरिका से मैं वापस आई थी तो तुम्हारे और सभा के लिए बहुत कीमती ज्वेलरी लेकर आई थी और तुमने मुझसे मांगी। खुदा के लिए दादी जान, अली इनसे के मुझ पे इल्जाम लगाना छोड़ दे। दादो ये तो हद ही हो गई ना, आपकी ज्वेलरी का सारा से क्या लेना देना? अब मैं पहले तुम्हें दिखाऊंगी, उसके बाद मैं अपने पास संभाल के रखूंगी ज्वेलरी। और तुम खामोश रहो और तुम मेरी ज्वेलरी वापस दो। आपके पास ज्वेलरी थी कब? अरे मैं तुम्हें दिखा के बताती कि मेरे पास कब थी ज्वेलरी, इसको पता है। अपना ईमान ना खराब करो, मेरी ज्वेलरी वापस करो। दादी जी मेरे पास आपकी कोई ज्वेलरी नहीं है, मुझ पे इल्जाम लगा। झूठा रोना मत रहो। दादो प्लीज यार, अगर सारा को आपकी वजह से कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। मैं कह रही हूँ नजर नीचे करके बात करो। दादो क्या है यार, सारा मुझे बताओ किधर है सारा, ये क्या कर रही है? मुझे बताओ तुम किधर है, ये देखो केरी, इसमें से तुम देख लो। क्या कर रही, छोड़े क्यों कर रही है आप ये सब? क्यों दादी जान ने जो मुझ पर इल्जाम लगाया चोरी का, उन्हें क्या जवाब दूं? आपको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि आपने कुछ नहीं छुपाया। सुनो जेवर इसी के पास है, ये खुद मुझसे लेकर गई थी, इसमें इतनी सी भी शक की गुंजाइश नहीं, इतनी सी। दादी जान आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है, खामखा भी काम क्यों नहीं करती? जो ज्वेलरी है ना मेरे पास, आप वो सारी ले लें। ये ले सारा, सब आप अपने पास रखे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी ज्वेलरी की जरूरत नहीं है समझे, मुझे अपना जेवर चाहिए जिसपे तुम्हारी नीयत खराब हुई। लाओ निकालो मेरा जेवर। क्या मेरे पास नहीं आपका जेवर? आप मेरी तलाशी ले लें। लेने मेरी तलाशी? क्या हो गया तुम, मुझे क्यों उल्लू बना रही हो? तुम्हारे ही पास है, मुझे पता है तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। निकालो मेरा जेवर। मैं कहा अब्बू, अब्बू देखा आपने? देख रहे इसको कैसे टसवे बाहर है, झूठे मगरमच्छ के आंसू। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी का सुकून मेरी माँ ने ही छीन रखा है। अगर बेटी का शिकवा सुनकर तुम यहाँ आए हो ना तो चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है। नहीं अम्मी जान, मैं बेटे की हैसियत से माँ से शिकवा करने आया हूँ। अम्मी जान आपके हुक्म पर मैंने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया और आज आप उसी को चोर करार दे रही। अम्मी जान मेरी बेटी तंगी तुर्शी में पलकर के जवान जरूर हुई है, लेकिन वो चोर नहीं है, चोर नहीं है वो। मैंने ये कब कहा कि तुम्हारी बेटी ने चोरी की है? मैं तो ये कह रही हूँ कि जेवर उसी के पास है, वो झूठ बोल रही है। हाँ वो अम्मी सही कह रही है, इन्होंने खुद मुझे बताया था कि इनके पास बहुत सारे जेवरात हैं जो ये बच्चियों के लिए लेकर आई हैं। खामोश रहो सलमा, तुम ये साबित करना चाहती हो कि जेवरात सारा ने चुराए हैं? नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं, मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने खुद मुझे बताया था और मरियम आपी को भी बताया था। तुम तो चुप ही करो बस। अमीजान मेरी बेटी कभी भी जेवरात के लिए झूठ नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती वो झूठ। अगर तुम्हारे अपनी माँ के ऊपर यकीन नहीं तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब बेटी से मिलना हो ना तो अपने घर बुलाकर मिल लेना। अम्मी अम्मी आप मेरी बात तो सुने, तुमने तो पहले मुझे खुद ही कहा था कि जहीर को ना बताना और अब जहीर और बेटी को लाके मुझे शर्मिंदा करा रही हो। नहीं अम्मी नहीं, मैं आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं कर सकती, मैं तो उन्हें यही बता रही थी कि जेवर आपके पास थे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सारा चाहती क्या है। अम्मी चाहना क्या उसने, वही जो आजकल की वकूफ लड़कियां चाहती हैं, ससुराल पर अकेले राज करना। नजरों से गिरकर राज नहीं मिलता, मैं नहीं चाहती कि वो इस तरह से राज करे, तो उसे समझाओ ना। मैं क्या समझाऊं अम्मी, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि
वो ऐसी हरकत करेगी, अपनी ही दादी के साथ मुकाबला करेगी वो। ये जेवर भी मैं अपने लिए नहीं, सबा के लिए लाई थी। मैं तो इस रिवाज के बहुत ही खिलाफ हूँ, लेकिन क्या करूँ, दुनिया की ये रस्म है। मैंने तो ये सोचा था कि जहीर पे इसका बोझ ना पड़ जाए, इसीलिए मैं इन दोनों के लिए जेवर बना के लाई थी। हमी हमी, मुझे बहुत दुख है कि सारा मेरी बेटी है और उसने आपकी पोती होकर आपका दिल दुखाया। आपने तो उसे सहारा दिया, प्यार दिया, और उसी ने आपको दुख दिया। बस बस, ज्यादा बातें नहीं करो, जाओ तुम जहीर के साथ जाओ, जाओ जहीर के पास जाओ। हमें हमें मेरी बात तो सुने ना। बस मैंने कह दिया ना, खुदा के लिए मुझे बस छोड़ दो, तंग आ गई, मेरा दिमाग फटा जा रहा है, मुझे आराम की जरूरत है भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सारा बेटा, अम्मी दादी है तुम्हारी, वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगी, ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। अब्बू, जो कुछ भी कल हुआ अली ने अपनी आंखों से देखा है, और जो कुछ आज हुआ वो आपने देख लिया। मुझे तो यही नहीं पता कि दादी जान मुझ पे किस ज्वेलरी के चोरी होने का इल्जाम लगा रही हैं। तो फिर उनको तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? ऐसा आखिर क्या हो गया इतना कि वो तुमसे इस कदर खफा है कि सनी को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है वो? मैं नहीं जानती, पर बेहतर यही है कि आप उनसे कोई बात ना कीजिए। चाचू प्लीज, हम दोनों कल से बेहद बेसकूनी के आलम में हैं। अगर आप दादू से कोई बात करेंगे, बात बढ़ जाएगी, पता नहीं क्या होगा, प्लीज आप ना बात कीजिए। लेकिन अम्मी तुम दोनों से खफा है, और ये कैसे हो सकता है? नहीं तो समझ में नहीं आ रहा। काश तुम्हारी माँ मुझे सारी बातें बता देती, कुछ न छुपाती मुझसे, तो मैं यहाँ ना आता। यहाँ आकर के मुझे कितनी तकलीफ हुई है, कितना मैं शर्मिंदा हुआ हूँ, नहीं समझ सकता। अली, मेरी एक बात अच्छी तरह सुन लो तुम लोग, वो मेरी माँ है, कुछ भी हो जाए तुम्हें उन्हें मनाना है, चाहे वो तुम दोनों को क्यों ना दुत्कारे, क्यों ना बुरा भला कहे। चाचू हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम वो जेवर कहां से लेकर आए जिसका दादू जिक्र कर रही है, जिसका इल्जाम लगा रही है, कहां से लाएं वो जेवर? अबू, बेहतर ये है कि आप उनसे किसी बात का जिक्र ना करें। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं क्या ना कहूं, वो माँ है मेरी, उसे झुटलाने की जरूरत नहीं है मुझ में, और बेटी को झुटलाना ये भी मेरे बस में नहीं। मैं क्या करूं, मैं चल रहा हूं, तुम्हारी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। चाचू चाचू, देख लिया, अबू पहली बार हमारे घर आए और किस तरह रोते हुए गए। सारा, आप खुद को संभालें। सारा, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज प्लीज। अरे आप बता क्यों नहीं रहे, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक हूँ ठीक हूँ, शोर मत करो प्लीज, शोर मत करो। अरे मगर कुछ बताएं भी तो सही ना, क्या हुआ? सबा सबा, जल्दी से पानी लेकर आओ, लगता है तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। फिर आखिर हुआ क्या, मुझे कुछ बताए तो सही ना। अब्बू क्या हुआ आपको? मेरी बेटी चोर नहीं हो सकती। अरे मगर हुआ क्या? हाँ, मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारी दादी जान का और सारा का ना इनके सामने झगड़ा हुआ, इसलिए इनकी तबीयत खराब होगी। जा बेटा पानी लेकर आओ। आज मेरी जन्नत, मेरी अम्मी मुझसे नाराज हो गई, और मेरी दुनिया, मेरी बेटी मुझसे रूट गई। अरे क्या हो गया आपको, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? सब ठीक हो जाएगा। सबा जल्दी से पानी लेकर आओ। अरे जहीर जहीर, सबा डॉक्टर को फोन कराओ। जहीर होश करे, क्या हो गया आपको? जहीर, ये क्या कह रही हो मरियम,
क्या हो गया मेरे जहीर को? आ जाइए अम्मा, जहीर की हालत बिगड़ रही है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, उसने आपकी नाराजगी को दिल से लगा लिया है। तो फिर तो तुम्हें सारा को फोन करना चाहिए था, जहीर की इस हालत के जिम्मेदार उसकी अपनी बेटी है, मैं नहीं। बेशक आप माँ तो है ना, आपके दिल में भी तूफान उठ रहे होंगे। अगर जहीर को कुछ हो गया तो यकीनन आप खुद को माफ नहीं कर सकेंगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मरियम ऐसा हो मेरी जिंदगी में, अल्लाह ना करे मेरे बेटे को कुछ हो। लेकिन उसने सारा की हिमायत करके ना मुझे बहुत दुख किया। बेटे ऐसे होते हैं क्या? बेटे ऐसे हो सकते हैं अम्मा, मगर माँ इतनी संगदिल नहीं होती। ठीक है ना आए आप, उस वक्त आएगा जब। नहीं नहीं, अब आके कुछ ना कहना, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अली अली बेटा अली, अली बेटा जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे जहीर के पास फौरन पहुंचना है। वो यहाँ से गया जाते उसकी तबीयत खराब हो गई थी, मरियम ने अभी फोन करके मुझे बताया है। क्या हुआ चाचू को? ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं, मत करो मुझसे सवाल जवाब, जल्दी करो चलो। क्या हो गया अब्बू को? कोई मुझे बताए तो सही। सोने की इसको चुप करो, तुम चलो मेरे साथ। मैंने कहा था ना अब्बू इनके इल्जाम को अपने दिल पर लगा लेंगे, और वो ही हुआ। तुम चल रहे हो कि नहीं? मैं जाऊँ। जी दादा। मैं भी जाऊंगी, मैं सनी को लेकर आती हूँ। जल्दी लेके आओ सनी। सनी आओ। सबा ले लो, तुम्हें भी जो चाहिए। वैसे भी इस घर की हर चीज मेरी ही है। हैरत है वैसे, जहां जाती हो उसे अपना घर समझकर हुकूमत करने लगती हो। पहले घर की बुनियादें मजबूत करो और घर को घर बनाओ। मेरे घर की बुनियादें कितनी मजबूत है जाकर अली से पूछो, सर से पैर तक मेरी मोहब्बत में डूबा हुआ है। जो खुद डूबा हो वो तुम्हारी बुनियादें क्या मजबूत करेगा, और वो भी अली जैसा बेएतबार इंसान। तुम चाहती क्या हो? ये घर मेरे भी अबू का है, और मैंने फैसला कर लिया कि जब तक अबू ठीक नहीं होंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जब तक तुम इस घर में रहोगी ना अबू कभी ठीक नहीं होंगे। प्लीज आपी दादी का अदब किया करो, वो अबू की माँ है और उनके कितने एहसान है तुम पर। तुम्हें घर दिया, तुम्हारे बच्चे को मुस्तकबिल दिया, तुम्हें साहिबान दिया, और तुम उनकी दुश्मन बन गई। दुश्मनी मैंने नहीं दादी ने बढ़ाई है। पहले उन्होंने सनी पे जुल्म किया, उसके बाद मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। आप ही खुदा के लिए दादी जान को अपनी राह का पत्थर समझना छोड़ दो, वो उस घर में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। मेरी बात याद रखना, जिस दिन दादी जान ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया अली भी तुम्हें छोड़ देगा। तुम तो चाहती हो, तुम अली को भूल क्यों नहीं जाती हो? इंसान बहुत नाशुक्र है आप ही, अच्छाई भूल जाता है लेकिन बुराई हमेशा याद रखता है। अम्मी जहीर तो अब सो गए हैं, आप भी चलकर आराम कर लें। नहीं मैं यहाँ जहीर के पास ठीक हूँ। अगर आप कहें तो यहाँ बेड लगवा दूँ। नहीं मैं थोड़ी देर के बाद दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। अम्मी एक बात कहूँ? हाँ। सारा को माफ कर दे। मैं तो माफ कर लूं लेकिन सारा खुद को माफ नहीं करना चाहती, तो मैं क्या करूं? अम्मी आप जानती है ना जहीर
सारा से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो बहुत फिक्रमंद है उसके लिए। आखिर इस शादी का अंजाम क्या होगा? सारा ने अगर मुझे गलत समझना ना छोड़ा ना, तो शायद इसका अंजाम अच्छा ना हो। ठीक कह रही हूँ। जब मैं यहाँ आ रही थी तो सलमा ने मुझसे खुद कहा था कि अली को वहां लेकर नहीं जाइएगा, कहीं तुम उसे बहका ना दो। लेकिन अम्मी, फिर आपने सारा और अली की शादी क्यों की? शायद मैं यहाँ आकर जहीर की मां बनकर सोचने लगी थी। तो फिर अब क्या होगा? सारा को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। अली वापस जाना नहीं चाहता और समीना और उमर अमेरिका में रहना चाहते हैं। लेकिन अम्मी, इस तरह अली से उसके माँ बाप का ताल्लुक तो नहीं टूट सकता ना? अली से उसके माँ बाप का ताल्लुक तो नहीं टूटेगा, लेकिन अली ज्यादा अरसे तक सारा के नाज नहीं उठा सकेगा। वो हर ताल्लुक से जल्द उकता जाता है। अगर सारा ने अपना रवैया नहीं बदला तो अली जितनी जल्दी एतबार करता उतनी जल्दी वो बेएतबार भी बन जाता है। सारा, दादी जान, अली को आप तो क्या आपके अच्छे भी बरगला नहीं सकते। आप क्या समझी कि मैं बेवा हूँ तो मुझे नौकरानी बना के अपने घर ले जाएंगी, मुझसे काम कराएंगी, मैं आपकी खिदमत करती रहूंगी सारी जिंदगी? ये आपकी भूल थी। खामोश हो जाओ, तुम अपनी दादी जान से बदतमीजी कर रही हो। कोई नहीं है ये मेरी दादी, समझी आप? अली, अली जल्दी आओ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे साथ। सहीर,